नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। खबर है अयोध्या सती चौरा चौकी क्षेत्र सूरज गोस्वामी हमला प्रकरण को लेकर शिक्षक नेता आलोक तिवारी, डीएल गोस्वामी, अंकुर ने सीओ सदर वीरेंद्र विक्रम के आश्वासन पर धरने को स्थगित करने का काम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश में पुलिस की व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। आलोक तिवारी जिला मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मापुर अयोध्या सूरज प्रकरण में माध्यमिक शिक्षक संघ के मंडलीय अध्यक्ष श्री रामलोक तिवारी द्वारा जो मांग पत्र सौंपा गया था प्रशासन को, SSP महोदय ने उसको स्वीकार कर लिया। जांच को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है। कल 14 तारीख को संगठन द्वारा धरने की घोषणा की गई थी, उसको स्थगित किया जा रहा है और हम लोग पूरा शिक्षक संघ डीएल गोस्वामी के लड़के जो सूरज प्रकरण है उसको उनके साथ हैं। शासन से मांग करते हैं कि न्यायोचित जांच हो। सूरज गोस्वामी पर उस समय जानलेवा हमला किया गया जब वो बड़ा गांव से अपने घर लल्लू सिंह सांसद का चुनाव प्रचार कर घर लौट रहा था। छिनैती की गई, उसमें तमाम लोग शामिल थे, अपराध दर्ज हुआ। 394, 308, 504, 506 और वह पीड़ित CHC में, जिला अस्पताल में रिफर, फिर PGI रिफर, फिर CNS हॉस्पिटल, फिर उसके बाद जिला अस्पताल में फ्रैक्चर, तमाम धाराएं थी और आज तक पुलिस ने मिली भगत करके चोरी से 154 चलान झूठी सूचना पर दे दिया। इस संबंध में मैंने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी को एवं DGP महोदय को पत्र लिखा था। पत्र के संज्ञान में शिक्षक संघ के मैनेजर अध्यक्ष रामलोक तिवारी ने भी घोषणा किया था कि कल दिनांक 14/6/19 को फैजाबाद में शिक्षक विधायकों सहित शिक्षक नेताओं की बैठक होगी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्यवाही करते हुए हमारी मांग के अनुसार जांच क्राइम ब्रांच के कृष्णकांत इंस्पेक्टर को सौंप दी है, इसलिए हमारे शिक्षक नेताओं ने धरना स्थगित कर दिया है। मेरा स्पष्ट कहना है कि मैं समाज में जब से निकला हूं तब से मैंने हिंसा और अपराध का विरोध किया है। ऐसी तमाम खबरों देखने के लिए बने रहे हमारे साथ आईवी इंडिया न्यूज पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।